धन्य है श्रीमद् भागवत महापुराण जिसके सुनने मात्र से इसकी प्रेत योनि दूर हो गई। एक अध्याय में हमने भागवत की विधि का वर्णन किया, भागवत किस तरह से होनी चाहिए, क्या इसके नियम है, ये सब वर्णन किया। अब देखिए एक श्लोक में व्यास जी ने भगवान का ध्यान किया, एक श्लोक में ब्रह्म सूत्र बताया, एक श्लोक में भागवत धर्म बताया। एक में भागवत को फल बताया, सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किए, भगवान के 24 अवतार हुए, व्यास नारद का संवाद हुआ। एक समय नारद जी वीणा बजाते बजाते हरवण गाते गाते चल दिए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी बीड़ा बजाते बजाते हरगुण गाते गाते व्यास जी के पास पधारे, कहने लगे, हे व्यास जी महाराज, आपने वेद बनाए, पुराण बनाए, शास्त्र बनाए, लेकिन आपने तो ये एक कुआ की सी रेट तैयार कर दी नी। बोले भाई ऐसा क्यों? बोले आपने सब कुछ बनाया, वेद बनाए, पुराण बनाए, शास्त्र बनाए, उपनिषद बनाए, लेकिन आपने भगवान के चरित्रों का वर्णन किसी में नहीं किया, क्या फायदा आपका? नारद जी कहने लगे, मैं पहले दासी का बेटा रहा, संतों का झूठा प्रसाद पाने से मुझे नारद पदवी प्राप्त हो गई, भगवान की कृपा मुझ पर हो गई, मुझे देवदत्त नाम का बेटा दे दिया। नारद जी ने व्यास जी को चतुर्व्यूह मंत्र दिया, ये मंत्र नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। इस मंत्र में 4 देवता निवास करते हैं, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और संकर्षण। व्यास जी ने इस मंत्र का किया जाप, जीव ईश्वर और माया का दर्शन हो गया। व्यास जी ने माया को त्याग दिया, ईश्वर को हृदय में बैठाया और भागवत जी की रचना की नी। व्यास जी को यह ज्ञान हो गया कि संसार का यही नियम है कि जीव ने
ईश्वर की तरफ पीठ कर रखी है और माया के पीछे दौड़ रहा है। हाय माया, माया तो बहुत ठगनी है, माया महा ठगनी हमें जानी माया, ए हमें जानी माया महा ठगनी हमें जानी, ओ माया महा ठगनी हमें जानी, निर्गुण पास लिए कर फिरती, निर्गुण पास लिए फिरती, बोले माधुर बाणी माया महा ठगनी हमें जानी, और माया महा ठगनी जा। माया तो पूर्ण पतिव्रता है। माया जब अकेले आती है तो जीव के लिए शारीरिक कष्ट देती है, मानसिक कष्ट देती है, उसके हृदय के लिए कष्ट देती है, और जब नारायण के साथ आती है तो जीव के यहां आनंद ही आनंद कर देती है। क्यों? कि लक्ष्मी पूर्ण पतिव्रता है, बिना नारायण की लक्ष्मी नहीं रह सकती है। तो व्यास जी ने माया को छोड़ दिया, ईश्वर को हृदय में बिठाया और भागवत जी की रचना की, और रचना करके अपने बेटा सुखदेव के लिए पढ़ाई। देखिए यहां तक कथा चली वक्ता की, अब कथा चलती है श्रोता की। भागवत जी के प्रधान श्रोता कौन है जानते हो? आप लोग जानते हो भागवत जी के प्रधान श्रोता कौन है? भागवत जी के प्रधान श्रोता है परीक्षित महाराज। यहां महाभारत के अंतिम पर्व का श्लोक आया, यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरां वेद्ध गदा विमर्श भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। भीमसेन दुर्योधन का 9 दिन का युद्ध राम। भीमसेन ने दुर्योधन की जंगा को चीर दिया है, दुर्योधन रक्त में लथपथ होकर के पड़ा हुआ है। द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा चला आया, कहने लगा भैया पांचों पांडवों ने आपकी ये दशा की है, मैं पांचों पांडवों के मस्तक काट करके ले आऊंगा। अश्वत्थामा गया, पांडव तो वह थे नहीं, पांडव स्नान करने गए हुए हैं, पांडवों के 5 बालक शयन कर रहे हैं, पांचों पांडवों के बालकों के मस्तकों को काट कर ले आया है। जैसे ही दुर्योधन के हाथ में दिए, दुर्योधन ने उंगलियों से मस्तकों को दबाया, मस्तक पट्टी पट्ट फूट गए। दुर्योधन कहने लगा, अरे अश्वत्थामा, तूने हमारे कुल का विनाश कर दिया, यह वीरों के मस्तक नहीं है, यह बालकों के मस्तक हैं। वैसे ही युद्ध में इतना विनाश हो गया, हर्ष और शोक में दुर्योधन की मृत्यु हो गई। द्रौपदी प्रातःकाल के समय
सहन करके उठे। द्रौपदी के स्तनों में दूध की धारा भराई, कहने लगी, अरे बांदी, जरा जाकर के बालकों को तो देख। बांदी ने जाकर के की, जो देखा बालकों के धड़ी धड़ पड़े हुए हैं। बांदी रोने लगी। द्रौपदी के सामने आकर के खड़ी हुई है। द्रौपदी कहने लगी, क्या बात है बांदी, क्या हुआ मेरे बालकों को? अरे कुछ तो बोल बांदी। बांदी कहने लगी, मैं ऐसे शब्द अपने मुख से नहीं कह सकती, आप स्वयं जाकर के देखें। द्रौपदी ने बालकों की दशा को जाकर के देखा। द्रौपदी रोने लगी, अरे कौन ऐसा आता ताई हो गया जिसने मेरे बालकों की हत्या कर दी? आज मेरे बालकों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अरे अर्जुन, आप तो गांडीव धनुर्धारी हैं, क्या आप मेरे बालकों की रक्षा नहीं कर सकते? युधिष्ठर, आप तो धर्मराज हैं, आप भी मेरे बालकों की रक्षा नहीं कर सके? भीमसेन, आप तो गदाधारी हैं, आप भी मेरे बालकों की रक्षा नहीं कर सके? बेचारे नकुल और सहदेव क्या करते? द्रौपदी आर्थवाद से द्वारकानाथ भगवान को पुकारने लगे, हे द्वारकानाथ, आज मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है प्रभु। द्वारकानाथ पधारे, कहने लगे, अर्जुन आप रथ तैयार करें। अर्जुन ने रथ तैयार किया है, द्वारकानाथ भगवान विराज गए हैं, अर्जुन रथ लेकर के चल दिए हैं। अश्वत्थामा भागा हुआ जा रहा है। भगवान कहने लगे, अरे अर्जुन पकड़ ले अश्वत्थामा को, अरे अर्जुन पकड़ ले अश्वत्थामा को। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ के रथ में बिठाया, द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। कहने लगे, यह आपके बालकों का हत्यारा है। अश्वत्थामा नीचे मुंह करके खड़ा हुआ है। बालकों के हत्या इसके मुंह पर छाई हुई है। द्रौपदी कहने लगी, अरे अर्जुन इसे छोड़ दे, मुंजदा मेशो ब्राह्मणो नितरांगत। अरे अर्जुन इसको छोड़ दे, यह तुम्हारे गुरु का बालक है, आप लोगों ने इसके पिताजी के द्वारा बड़ी बड़ी धनुर्विद्याएं सीखी हैं, यह ब्राह्मण का बालक है, ब्राह्मण को प्राण दंड कभी भी
नहीं देना चाहिए। चाहे ब्राह्मण कितना भी अपराध कर दे, लेकिन ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं देना चाहिए। ब्राह्मण ज्यादा आतताई हो जाए तो उसके डाढ़ी मूंछ को मोड़ ले, और ज्यादा आतताई हो जाए उसको गांव से निकाला कर दे, और ज्यादा आतताई हो जाए उसको शहर से निकाल दे, और ज्यादा आतताई हो जाए उसको देश से निकाल दे, लेकिन ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं देना चाहिए। यहां आप द्रौपदी का त्याग देखें, सभी तैयार है लेकिन गदाधारी भीमसेन बोल पड़े, कहने लगे अरे आप लोग सब इस स्त्री की बातों में आ गए, इसने हमारे बालकों की हत्या की है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। भीमसेन गदा लेकर के मानने को तैयार हुए, भगवान ने रोक दिया। कहने लगे भीमसेन द्रौपदी ठीक कहती है, ब्राह्मण को प्राण दंड नहीं देना चाहिए। भगवान कहने लगे इसके मस्तक में मणि है, मणि को निकाल करके मुझे दे दे। मणि निकाल करके भगवान को दे दी, अश्वत्थामा को धक्का दे दिया। अश्वत्थामा के हृदय का घाव अभी पूरा नहीं हुआ, इसने 6 बाण और छोड़ दिए, 5 बाण 5 पांडवों के लिए, 1 बाण उत्तरा के उधर में राजा परीक्षित को मारने के लिए। उसी समय भगवान ने 2 रूप धारण करके पांडवों की रक्षा की, 1 रूप से 5 पांडवों की रक्षा की, 1 रूप से अंगुष्ठ मात्र होकर के उधर में राजा परीक्षित की रक्षा की। 1 दिन 2 दिन नहीं, पूरे 9 महीने तक राजा की रक्षा की। भगवान बोले अर्जुन हम द्वारकापुरी जाएंगे, रथ तैयार करें। अर्जुन ने रथ तैयार किया, भगवान रथ में विराजे, अर्जुन रथ लेकर के चल लिए। रथ थोड़ी दूर चला, भगवान बोले अर्जुन रथ कुरुक्षेत्र लेकर के चले, दादा भीष्म जी सरसैया पर पड़े हुए हैं, हम दादा भीष्म के लिए दर्शन देंगे। भगवान कुरुक्षेत्र पधारे, भागवत में भीष्म स्तुति भी है, बड़ी सुंदर है, कुंती स्तुति भी है, भीष्म स्तुति भी है, लेकिन समय का अभाव रहता है, समय का अभाव है। 2 समय की कथा हो ना, जब केवी में आनंद आवे कथा, तो जब सब हमें कुंती स्तुति भीष्म स्तुति सब, अब तो खेचा तानी बीते भाई, कथा ठिकाने पे पहुंचानी। वहां महाराज भीष्म जी ने राज धर्म दान धर्म स्त्री धर्म का वर्णन किया। दादा भीष्म ने उत्तरायण सूर्य में माघ मास में शरीर को त्याग दिया। भगवान भीष्म की अंत्येष्टि करके द्वारकापुरी पधारे। वहां द्वारका वासनी गोपी अट्टा अट्टान के ऊपर छह गई, छज्जे पे छातन पे भगवान का दर्शन कर रहे और बड़े प्रेम से गा रहे, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा, राधे गोविंद
भज राधे गोविंद, राधे गोविंद भज राधे गोविंद, राधे गोविंद भज राधे गोविंद, राधे गोविंद हरि बोल राधे गोविंद, राधे गोविंद भज राधे गोविंद, राधे गोविंद भज राधे गोविंद, राधे गोविंद भज राधे गोविंद, द्वारका नो नाथ भज राधे गोविंद, द्वारका ने नाथ भज राधे गोविंद, बैठल जो नो नाथ भज राधे गोविंद, बैठल जोगे नाथ भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, ओ राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, 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 बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान ने अर्जुन के साथ गोपियों को कर दिया, रास्ते में भीड़ मिल गए, अर्जुन से गोपियों को छुड़ा लिया, अर्जुन 7 महीने में लौट करके आए, पीछे से परीक्षित का जन्म कर्म हो गया। ब्राह्मणों ने 2 नाम रखे, परीक्षित और विष्णुराज। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया और भविष्य को बताया है। राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसेगा, युधिष्ठिर चिंता में है, उसी समय अर्जुन आ गए हैं। कहने लगे अर्जुन, आपने बहुत समय लगाया, भैया मैं क्या करूं, भगवान ने मेरे साथ गोपियों को कर दिया, रास्ते में भील मिल गए, भीलों ने मुझसे गोपियों को छुड़ा दिया है, ना जाने मेरा गांडीव धनुष कहां चला गया, ना जाने मेरी वीरता कहां चली गई, आज मुझे ऐसा मालूम पड़ता है भगवान स्वधाम जा रहे हैं। भगवान के साथ त्याग, शील, क्षमा, वीरता सब कुछ जा रहा है। युधिष्ठिर ने अर्जुन के वचन सुनकर राजा परीक्षित के लिए राज दे दिया है, राज तिलक कर दिया। पांडव हिमालय पर पधारे, गोविंद धाम के प्राप्ति की। राजा परीक्षित के राज्य में कलयुग आया, राजा से कलयुग ने 5 स्थान मांगे। कौन कौन से 5 स्थान मांगे? पहला स्थान मांगा, जहां मदरा पान की जाए वहां मैं रहूं। आज यही बात है, घर घर में कलयुग प्रवेश कर गया है। जहां मदरा पान की जाएगी, वहां कलयुग का निवास हो जाएगा। जहां पशु हत्या होती हो वहां मैं रहूं। आजकल पशु हत्या बहुत हो रही है,
कितनी गौ हत्या हो रही है, आंदोलन चलाए जा रहे हैं गौ हत्या रोकने के लिए। अरे जहां गौ काटी जाएगी, गौ हत्या होगी, वहां कन्हैया कभी भी नहीं आएगा। जहां जुआ खेला जाए वहां मैं रहूं, जहां वेश्या रहती हो वहां पे मैं रहूं। भाई भाई में बैर कराने वाले सोने में मेरा निवास हो जाए। राजा ने कलयुग के लिए 5 स्थान दे दिए। अब देखिए, 1 स्वर्ण मुकुट है बाबा परबाबा के समय का, उस मुकुट पर लिखा हुआ है इसे कोई भी धारण ना करे। राज्य की वस्तुएं साफ होती हैं, धुलती हैं, सफाई करने में वो लिखा हुआ मिट गया है। पढ़ने में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है मुकुट पर क्या लिखा हुआ है। उसी मुकुट को पहन करके राजा परीक्षित शिकार खेलने चल दिए। समीक ऋषि के आश्रम पर आप पहुंचे, ऋषि से जल मांगने लगे, लेकिन ऋषि समाधिस्थ हैं। आप नहीं बोले, वहां एक मरा हुआ सर्प पड़ा था। राजा ने धनुष के अग्रभाग से, धनुष के अग्रभाग से मरे हुए सर्प को उठाकर ऋषि के कंठ में डाल दिया। राजा चले गए। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने कौश की नदी में गोता लगाकर हाथ में जल लेकर के श्राद्ध दे दिया, राजा जो सर्प आपने हमारे पिताजी के कंठ में डाला है आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा। ऋषि के नेत्र खुले, सारा वृतांत ऋषि के लिए बताया। समीक ऋषि कहने लगे, बेटा ये तूने अच्छा नहीं किया, राजा तो बहुत धर्मात्मा है, अवश्य कोई कारण हुआ होगा इसलिए राजन ये अपराध कर बैठे। गौर मुख नाम के 2 शिष्य बुलाए, कहने लगे आप राजा के पास जाकर के कहें कि राजा आपकी आयु 7 वर्ष की है, आप कोई इंतजाम कर सकते हैं तो आप अपना इंतजाम कर लें। गौर मुख नाम के शिष्य राजा के पास पहुंचे, कहने लगे राजन आपको श्रृंगी ऋषि का श्राप लग गया है, आज से 7वें दिन आपको तक्षक नाग डसेगा। आप कोई उपाय कर सकते हैं तो आप उपाय कर लें। ये महाराज कहकर के पधारे। राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जनविजय के लिए राज्य दे दिया है और राज देकर देकर के ऐसे पीछे मुड़ करके नहीं देखा जैसे कोई वॉमिट कर देता है, वॉमिट को पीछे मुड़ के नहीं देखता है। राजा ने सब कुछ छोड़ दिया। राजा राज देकर के गंगा किनारे पधारे। राजा गंगा किनारे आ गए, गंगा मुक्ति देने वाली है, राजा की आयु 7 दिन की है। राजा ने एक व्यास मंडप तैयार किया और एक बोर्ड टंगवाया, उस बोर्ड पर लिखा हुआ है जो मेरा उद्धार करे वे इस व्यास गद्दी पर विराजमान हो जाए। लेकिन किसी में इतनी सामर्थ नहीं है जो गद्दी पर विराजमान हो, राजा का उद्धार कर सके। उसी समय
व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज पधारे, गद्दी पर आकर के विराजमान हो गए। राजा ने यही प्रश्न किया, मरने वाले जीव को क्या करना चाहिए। वर्याने सते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपः। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन आपने संसार के हित की कामना से बहुत सुंदर प्रश्न किया है। अरे राजा, तू क्यों चिंता करता है? खट्टांग राजा की आयु तो सवा दो घटी की थी, सवा दो घटी में उसका उद्धार हो गया। तेरी आयु तो राजा 7 दिन की है, क्यों चिंता करता है राजा? बोले देख राजन, अंत में नारायण भगवान की स्मृति बने, अंते नारायण स्मृति, अंत में नारायण भगवान की स्मृति बनी रहे, इसी में जीव का उद्धार है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जन्म जन्म मुने जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाई। जन्म जन्म मुने जतन कराई, अंत राम मुख आवत नाई। जन्म जन्म मुने जतन कराई, अंत राम कहे आवत नाई। जन्म जन्म मुनि जतन कराए, अंत राम मुखे आवत नाई। सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा के लिए वैराग्य का दर्शन कराया। भाई राजा राज्य में से आए, राज्य में तो सुख ही सुख है, राजा राज्य को त्याग करके जंगल में आए, इसलिए पहले वैराग्य का दर्शन कराया। कहने लगे राजा, जंगल में रहना चाहिए, जंगल में सब कुछ मौजूद है। राजा कहने लगे, प्रभु जंगल में बर्तन कहां से आएंगे, खाने पीने को कहां से आएगा, रहने को मकान कहां से आएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने हाथ दिए, हाथ कहीं नहीं चले गए, इससे आप भोजन प्रसाद ही पा सकते हो। राजन जंगल में अनेक प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं, जिन पे अनेक प्रकार के फल लगे हुए हैं, फलों को खा करके आप अपने उदर पूर्ति कर सकते हो। राजा जंगल में गुफाएं बनी हुई हैं, गुफाएं कहीं नहीं चली गई हैं। देख राजन, भगवान का ध्यान करें। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देख राजन अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानं पोषणमूतयः। देख राजन 10 लक्षण बताए, 9, ये 9 लक्षण है, 10वां जिसमें विशुद्ध है। महाराज तृतीय स्कंद के बीच में सृष्टि का क्रम वर्णन किया गया है। विदुर उद्धव का
संवाद वर्णन किया है। जिस समय कौरव और पांडवों के युद्ध का निश्चय हो गया, विदुर जी धनुष बाण दुर्योधन के द्वार पर रख करके गिरधारी जी की मूर्ति को लेकर के चल दिए। जब कोई यात्रा करने जाता है तो कुछ ना कुछ लेकर के जाता है। विदुर जी क्या लेकर के गए? कौरव पुण्य लब्धो, महाराज कौरव के पुण्य को लेकर के आप चल दिए। तीर्थ यात्रा करते करते आप यमुना किनारे पधारे। ततो धवम भागवतम दर्शनम, वहां आपके लिए उद्धव जी का दर्शन हो गया। कहने लगे आओ भैया विदुर, आप बैठे। उद्धव जी ने विदुर जी को बिठाया, गिरधारी जी की मूर्ति को विराजमान कर दिया। यमुना का किनारा है, यमुना गग्गा 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 करके बह रही है। विदुर जी कहने लगे भैया मैं आपके मुखारविंद के द्वारा कृष्ण कथा सुनना चाहता हूं। उद्धव जी कहने लगे भगवान की भी यही आज्ञा है कि जहां कहीं विदुर मिल जाए मेरे पावन चरित्रों को सुना देना। यमुना जी स्तब्ध हो गई हैं, उद्धव जी कथा प्रारंभ कर रही हैं। कहने लगे देखो विदुर जी, भगवान का अवतार मथुरा में हुआ, गोकुल में जिनका आनंद महोत्सव हुआ, गोपी कुर्ता टोपी लाई, गोपी नाची गाई, गोप नाचे गाए, दधकांदा हुआ, भगवान ने पूतना को समाप्त किया, शक्तासुर अगासुर बकासुर दैत्यों को समाप्त किया, माखन चोरी लीला कीनी, उखल बंदन लीला कीनी, 5 वर्ष की अवस्था में कालिया के फड़ के ऊपर नृत्य किया, दावाग्नि को भगवान ने पान किया, फिर भगवान ने वृंदावन में प्रवेश किया, चीर हरण लीला कीनी, यज्ञ पत्नी चौवनों का उद्धार किया, और देख बाएं हाथ कन्नी उंगली नोकी कूर पे श्री गिरिराज पर्वत को उठाया। मैया बड़ी प्रसन्न हुई है, नाचने लगी और गाने लगी, कहने लगी गोवर्धन उठाए लियो गिरे ना जाए, 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 गिरे ना जाए कहूँ हल ना जाए, गिरे ना जाए कहूँ हल ना जाए, गोवर्धन उठाए लियो गिरे ना जाए, गोवर्धन उठाए लियो गिरे ना जाए। गोवर्धन उठाए लियो गिरे ना जाए, गोवर्धन उठाए लियो गिरे ना जाए, 7 बरस के कृष्ण कन्हैया, 7 बरस के कृष्ण कन्हैया, 7 कोस में गोवर्धन है, गोसे में
गोवर्धन है हरिया लगाई ना जाए गरिया लगा जो गिर ना जाए गोवर्धन उठा लियो गिर ना जाए गोवर्धन उठा लियो गिर ना जाए हर गिर ना जाए कहूँ हल ना जाए गिर ना जाए कहूँ हल ना जाए गोवर्धन उठा लियो गिर ना जाए गोवर्धन मैया दुखी है बाबा दुखी है मैया दुखी है बाबा दुखी है बलदाऊ भैया देख रहे हैं बलदाऊ भैया देख रहे हैं हलहरिया लगाइयो गिर ना जाए हलहरिया लगाइयो गिर हल दरिया लगा लियो गिर ना जाए मरिया लगा लियो गिर ना जाए हर गिर ना जाए कहूँ हल ना जाए गिर ना जाए कहूँ हल ना जाए गोवर्धन उठाए लियो गिर ना जाए गोवर्धन उठा गिरे ना जा हो माखन में श्री कोमल है भारी माखन में श्री कोमल है भारी राधा प्यारी देख रही है राधा प्यारी देख रही है नजरिया मिलाओ गिर ना जाए हो नजरिया मिलाए ले जो गिर गोवर्धन उठा लियो गिर ना जाए गोवर्धन उठा लियो गिर ना जाए हर गिर ना जाए कहूँ हल ना जाए 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 गोवर्धन उठा लियो गिर 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 ना जाए उठा लियो गिर ना जाए गोवर्धन उठा लियो गिर ना जाए गिर ना जाए गौ हल ना जाए हल ना जाए गोवर्धन उठा लियो गिर ना जाए
को बारे धन उठा लियो गिर ना जा। मैया बड़ी प्रसन्न हुई, मालूम पड़ा राधा जी को क्या भगवान ने ब्रजवासियों के ऊपर बड़ी कृपा की नहीं है, गिरिराज पर्वत को धारण किया है। श्री राधे रानी हजार घोड़ा वाले रथ पर सवार होकर के चल दी नहीं है, राधा जी की सवारी निकल रही है। राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, मेरी रंग में बिगो नई चुंदरिया, मेरी रंग में बिगो नई चुंदरिया, चुंदरिया है गई केसरिया, चुंदरिया है गई केसरिया, अरे रंग बरसे रे गुलाल बरसे, रंग बरसे गुलाल बरसे, राधा रानी हमारी पे रंग बरसे, ओ राधा रानी हमारी के रंग बरसे, राधे रानी हमारी पे रंग बरसे, राधा रानी हमारी पे रंग बरसे। राधा रानी की जय, महारानी की जय, 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 बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। फिर भगवान अपने पिता नंद को वर्ण लोक से लाए, ब्रजवासियों को बैकुंठ दर्शन कराया, चाचा अक्रूर मथुरा से गोकुल पधारे, दोनों भाइयों को लेकर के आप मथुरा पधारे। मथुरा में आकर के भगवान ने धोबी को मार करके पीड़ हाथी को समाप्त किया, धनुष को तोड़ करके मामा कंस से राम राम कीनी, मामा जी राम राम। देवकी वसुदेव को बंदी गृह से छुड़ाया, उग्रसेन को राज्य दे करके भगवान अवंतकापुरी पधारे। सांदीपन गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन किया, 64 दिना में 64 कला कंठ हो गई। अब भगवान आए मथुरा, गोपियों के लिए उद्धव जी को ज्ञान देने भेजा, उद्धव जी गोपियों के शिष्य बन करके आए। भगवान ने अक्रूर को पांडवों की खबर लेने भेजा, अक्रूर जी खबर लेकर के धृतराष्ट्र से मिलकर मथुरा पधारे। भगवान को सूचना दे, जरासंध ने मथुरा प्री पर 17 बार धावा बोला, 17 बार भगवान ने इसको हराया। यमुना को मुचकुंद के द्वारा समाप्त कराया, जरासंध ने 18वीं बार हार करके
भगवान द्वारकापुरी पधारे। द्वारका में पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी के साथ में हुआ, बलदेव का रेति के साथ में हुआ। यह रेवत राजा की कन्या है। भगवान के 16,108 विवाह हुए, प्रत्येक रानी के 10-10 बेटा हुए। लक्ष्मणा का विवाह सांब के साथ हुआ। नारद जी प्रत्येक रानी के महल में जा पधारे, भगवान ने दर्शन दिया। मिथ्या वासुदेव पौंड्रक को भगवान ने समाप्त किया। विश्वनाथ भगवान के दर्शन किए। बलदेवी तीर्थ यात्रा करने पधारे, सूत जी का मस्तक काट दिया है। भीमसेन दुर्योधन को युद्ध करते हुए देखा, बीच बचाव कराया, दुर्योधन को चेला बनाकर गदा युद्ध सिखाया। मैत्री जी महाराज वर्णन करते हुए कहते हैं, जब भगवान की सृष्टि करने की इच्छा होती है तो पृथ्वी पर क्षोभ पैदा होते हैं। पृथ्वी पर केवल एक जल तत्व रह जाता है। भगवान की टूड़ी में से कमल, कमल में से चतुर्मुखी ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने चारों तरफ देखा, जल ही जल है। विचार करने लगे, मेरा अवतार कहां से हुआ है। कमल के तंतु को पकड़कर जल में गोता लगाने लगे। हजारों वर्ष व्यतीत हो गए, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ा कि कमल कहां से आया है। 3 बार शब्द हुआ, तप तप तप, तपस्या करें। चतुर्भुजी रूप से भगवान ने दर्शन दिया। कहने लगे, प्रभु क्या क्या है। ब्रह्मा जी आ सृष्टि करो, सृष्टि का समय आ गया है। भगवान कह करके पधारे। भगवान की आज्ञा से सृष्टि प्रारंभ कर देनी है। संवत्सर बनाए, 12 महीना बनाए, 4 युग बनाए, कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग। दिन रात बनाए, आदि सबका निरूपण किया। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके भगवान को प्रणाम किया। 4 मानसिक पुत्र पैदा किए, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। इन चारों ने अखंड ब्रह्मचर्य धारण किया। हमेशा आपकी 5 वर्ष की अवस्था रहती है, कभी आपको बुढ़ापा नहीं आता है। भ्रकुटी से रुद्र का अवतार हुआ, फिर 10 ऋषि पैदा हुए, मरीचि, अंगिरा, प्लस पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और अत्रि। गोदी से नारद जी का अवतार हुआ, अंगूठा से दक्ष का अवतार हुआ, त्वचा से भृगु जी का अवतार हुआ। नाभि से पुलह का अवतार हुआ, कानों से पुलस्त ऋषि का अपराध अवतार हुआ, हाथ से क्रतु का अवतार हुआ, नाभि से पुलह का अवतार हुआ। ये 10 पैदा हुए, सरस्वती कन्या पैदा हुई। सरस्वती कन्या को देख करके ब्रह्मा जी मोहित हो गए। जैसे ही हाथ पकड़ने को तैयार हुए, 10 ऋषि बोले, दादाजी सावधान, तुम्हारी तो लगे बेटी, हमारी लगे बहन। तो
जो ब्रह्मा जी को होश हुआ, कहने लगे ओहो यह शरीर तो पापी हो गया, इस शरीर के द्वारा पाप हो गया, अब इस शरीर को नहीं रखना चाहिए। ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया। शरीर त्यागा, सर्दियों में जो धुंध छा जाता है ना, कोहरा, कोहरा बोलते हैं उसको, हाँ वो ब्रह्मा जी का ही रूप है। महाराज दोबारा शरीर धारण किया, शरीर के दो हिस्सा किए, दाएं अंग से हुए मनु, बाएं अंग से हुए शत्रुपा। ये बोले दादाजी क्या आज्ञा है? बोले बेटा सृष्टि पैदा करो। बोले दादाजी सृष्टि कहां से पैदा करें, यहां तो चारों तरफ जले ही जले, अरे रहेंगे कहां, खाने को अन्न कहां से पैदा होगा। ब्रह्मा जी ने नेत्र बंद करके ध्यान किया, जिन भगवान ने मुझे सृष्टि की आज्ञा दी है वो मुझे मेरी अवलासा पूर्ण करें। इतनी देर में ब्रह्मा जी को छींक आई, जो महाराज छींका, छींकते ही नाक में से गनूना निकल करके जल के ऊपर तैरने लगा। इसने अपना रूप बढ़ाया, ब्रह्मा जी कहने लगे ये अच्छो भयो के जाने अपनो रूप मेरी नाक में तिन करके बढ़ायो, अगर कहीं ये अपना रूप नाक में बढ़ा देता तो मेरे नाक के नथुना ही फट जाते। यह 12 भगवान का अवतार हुआ। 12 भगवान ने हृणाक्ष दैत्य को समाप्त किया। भगवान पृथ्वी को डाण में दबा करके लाए, अपनी सत्ता के द्वारा पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। स्थापर क्षेत्र के सूकर क्षेत्र सूरों में जाकर के अपना शरीर त्याग दिया। वही सूरों है यहां महाराज, यानी कितनी हड्डियां ले जाई जाती हैं, मनो कुंतलों हड्डियां ले जाई जाती हैं, सबका पानी हो जाता है। अब ये पृथ्वी मनु जी के पास आई गई। मनु जी ने पंचवर्ण विद्या पैदा की। मनु ने शत्रुपा के द्वारा दो पुत्र पैदा किए, प्रियव्रत और उत्तानपान। दो पुत्र आपने पैदा किए, तीन कन्या पैदा हुई, आकुति, प्रसूति और देवूति। आपका विवाह, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, देवूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। महाराज ऋषि बोले दादाजी क्या आज्ञा है? बोले बेटा आप तपस्या करने पधारे, आज सरस्वती नदी के किनारे जाओ, वहां आप तपस्या करें, भगवान वरदान देने आए तो यही वरदान मांगना, प्रभु हमारा विवाह हो जाए। कर्दम ऋषि बोले दादाजी क्या विवाह के लिए तपस्या करनी पड़ेगी क्या? बोले विवाह क्या ऐसे ही हो जाएगा बेटा, तपस्या तो करनी पड़ेगी तभी विवाह होगा। कर्दम ऋषि सरस्वती नदी के किनारे पधारे। महाराज 1000 वर्ष तक तपस्या की, भगवान पधारे, लेकिन ऋषि के नेत्र नहीं खुलते हैं,
भगवान कहने लगे, ओहो इसके लिए मेरा दर्शन इसके हृदय में हो रहा है, इसलिए इसके नेत्र नहीं खुल रहे हैं। जब तक मैं अपने रूप को इसके हृदय में से नहीं खींचूंगा, जब तक महाराज इसके नेत्र नहीं खुलेंगे। जैसे ही भगवान ने अपने रूप को ऊंचा, ऋषि के नेत्र खुले। ऋषि कहने लगे, आहा कैसा सुंदर भगवान का स्वरूप था, जाने वो चतुर्भुजी मूर्ति कहां चली गई। जाने महाराज भगवान के दर्शन कहां चली गई। जो ऊपर देखा भगवान गरुड़ पर झूल रहे हैं। कहने लगे, ऋषि मैं प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगे। कहने लगे, प्रभु मैं क्या वरदान मांगू, आप घट घट वासी हैं, अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। ऋषि ने भगवान की प्रार्थना की, ज्योष्ठं बताध्या खेल सत्व राशि सांसे द्यमक्रोस्तव दर्शनान्न यद्दर्शनं जन्म विरेण्य सद्भे राशा सते योग नरूढ़ योगा। कहने लगे, प्रभु आज आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा कीनी है, जो मुझे आपका दर्शन हो गया, ऐसी कृपा आपने बड़े बड़े योगियों के ऊपर नहीं कीनी, वो कृपा आज आपने मेरे ऊपर कीनी है। महाराज ये आपके चरण नहीं है, ये संसारी रूपी भवसागर को पार करने वाले जहाज हैं। भगवान बोले, ऋषि मैं प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगे। कहने लगे, प्रभु आप सब जानते हैं। बोले, हाँ मैं सब जानता हूं, आप दादा ब्रह्मा की आज्ञा से यहां आए, विवाह की कामना से आपने तपस्या की नहीं है। बोले, ऋषि परसों के दिन मनु जी आएंगे, कन्या देवती को साथ लेकर के आएंगे, विवाह कर लेना, मना मत करना, पहले 9 कन्या पैदा होंगी, 10वां स्वयं मैं अवतार लूंगा। ऋषि बोले, महाराज क्या 9 कन्या मेरे यहां आएंगी क्या। इतना कहकर के भगवान पधारे। मनु जी देवभूति को लेके ऋषि के पास पधारे, बड़ी बड़ी बड़ाई की नहीं। ऐसा कोई पिता है जो अपनी कन्या की बड़ाई नहीं करेगा। भाई बड़ाई तो करेगा, जब ही तो विवाह होगा। तो मनु जी ने बड़ी बड़ी बड़ाई की नहीं। कहने लगे, ऋषि मेरी कन्या बड़ी सुंदर है, बड़ी बड़ी सुशील है, गृह कार्य में निपुण है। ऋषि कहते हैं, राजन मैंने आपकी कन्या की बढ़ाई अपने कानों के द्वारा सुन रखी है। ऋषि कहते हैं,
ये हर्म पृष्ठे कणदंग्र शोभा विक्रीडतीं कन्दुकवेल्लाक्षीं विश्वावसुन्या पतस्त्वाद्वमाना द्विलोकसंभो हविमूढचेता। राजन, मैंने आपकी कन्या की बढ़ाई अपने कानों के द्वारा सुन रखी है। एक समय विश्वावसु नाम का गंधर्व आकाश मार्ग से जा रहा था, तेरी बेटी ऊपर छत पर खड़े होकर बालों को सुखा रही। तेरी बेटी की सुंदरता को देख करके वो महाराज उसने विमान में से गिर करके अपने प्राण त्याग दिए। मैंने सब सुन रखा है राजन। महाराज, कर्दम देवी का विवाह हुआ, पर ऋषि ने ये शर्त रखी, राजन हम विवाह तो करेंगे जब तक संतान नहीं होगी जब तक तो हम संग में रहेंगे, और संतान हो जाएगी हम छोड़ करके जंगल में चले जाएंगे। ऐसा कोई होगा कि भाई जब तक बच्चा ना हुए जब तक तो पत्नी के संग रहेंगे, और बच्चा है जाएंगे तो छोड़ के जंगल में चले जाएंगे? ये शर्त रखी। फिर भी मनु जी ने देवती का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में किया। कर्दम ऋषि तपस्या करते हैं, महाराज बड़ी बड़ी सेवा करे, बड़ी सेवा। कर्दम ऋषि कर रहे हैं तपस्या, देवती करे सेवा। कैसी सेवा करे महाराज? वर्षा आती है, छाता लेकर के बैठी रहती है, सर्दी पड़ती है, अघानो लगा के अग्नि तपायो करे। देवूती ने ऋषि की इतनी सेवा कीनी, सेवा करते 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 नाग और ठूड़ी आपस में बात करने लग गई, आखन की टपोर बैठ गई, खाल नीचे लटक आई। सेवा का तो बड़ा भारी महत्व है। देखो, सेवक तीन तरह के होते हैं, उत्तम सेवा, मध्यम सेवा और अधम सेवा। उत्तम सेवक कौन है? उत्तम सेवक वह है बिना कहे स्वामी की बात मन की बात को जान ले और उस कार्य को कर दे, वो है उत्तम सेवक। फिर आया मध्यम सेवक। मध्यम सेवक कौन है? जो कहने से कार्य करता है। और अधम सेवक, अधम सेवक बुए जो कहने से भी कार्य नहीं करता है। गोविंदाय नमो नमः। देखो, हनुमान जी राम जी के उत्तम सेवक हैं, बिना कहे हृदय की बात को जान लेते और उस कार्य को कर देते। महाराज, जब राम विवाह की तैयारियां हो रही, सब लोग बड़े प्रसन्न है, भाई राम जी का विवाह है, लेकिन लखनलाल सुस्त बैठे हुए चुपचाप। राम जी बोले, भैया लखन, क्या आपको मेरे विवाह की खुशी नहीं है? क्या प्रसन्नता नहीं है क्या? बोले, नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। बोले, क्या बात है? कोई ना कोई बात तो है।
बोले भैया ये बताओ, सेवा की अधिकारिणी जानकी जी आई गई। बोले हाँ भैया ये ठीक है, और मेरे हाथ से आपकी सेवा चली गई। हाँ ये भी ठीक है। बोले भाई दोनों बात कैसे ठीक हो सकती हैं? बात तो एक ही सही होगी। कहने लगे रखनलाल संसार का यही नियम है। बोले कोई उपाय नहीं है क्या? बोले हाँ उपाय है। बोले फागुन का महीना आने वाला है, फागुन का महीना आएगा तो भाभी देवर से होली खेलती है, और देवर भाभी से होली खेलता है। होली खेलने के बाद फिर महाराज ये भाभी से कुछ मांगता है, जो मांगता है वो देना पड़ता है। उस समय तू मेरी आधी सेवा मांग लेना। अब तो लखनलाल बोले भैया जल्दी से होली आ जाए। अरे जल्दी होली कैसे आएगी भाई? जब आएगी जब ही आएगी, जब समय आएगा जल्दी कैसे आ जाएगी? आया महाराज फागुन का महीना, होली की तैयारियां हो रही है। केसर के रंग घूरे, केसर कस्तूरी मिलाएंगे। महाराज सजवाया है नगर को। वहां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति मांडवी सीता दशरथ सभी लोग विराजमान है। सब आपस में होली खेल रहे। और क्या दृश्य था वहां, बड़ा आनंद में। चलो हम भी आपको अवधपुरी ले चलते हैं। आज अवध में होरी रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होरी रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, होरी रे होरी रे बर जोरी रे रसिया, होली रे होली रे बर जोरी रे रसिया, आज अवध में होरी रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, अपने अपने घर सोने के सी, 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 कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, कोई श्यामल कोई गोरी रे रसिया, आज अवध में होरी रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, होरी रे बर जोरी रे रसिया, होली रे बर जोली रे रसिया, आज अवध में होरी रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया।
उड़ते गोलाल लाल मै बादर, 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 केसर रंग में घोरी रे रसिया, केसर रंग में घोरी रे रसिया, आज अवध में घोरी रे रसिया, आज में घोरी रे रसिया, घोरी रे घोरी रे बरजोरी रे रसिया, घोरी रे होली रे बरौरी रे रसिया, आज अवध में होरी रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन की हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कनक पिचकारी, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, कौन के हाथ कमोरी रे रसिया, आज अवध में होरी रे रसिया, आज अवध में होरी रे रसिया, आज अवध में होरी रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी बज बाल कृष्ण छवि, इचरजी में ये उरी रे रसिया, चरजी में वो गोरी रे रसिया, आज अवध में होली 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 रे रसिया, होली रे बरजोरी रे रसिया, होली रे होली रे होली रे रसिया, होली रे बरजोरी रे रसिया, होली रे होली रे होली रे रसिया, आज अवध में होली रे रसिया, ओ आज अवध में होली रे रसिया, 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 आई महाराज होली, रंगारंग होली का कार्यक्रम हुआ, यहाँ मांगने का समय आया, लखनलाल जाए के बोले भाभी जी नेक अपनो कान मेरे मुंह पे रख देओ। बोले ऐसी क्या बात है? बोले हमारी और आपकी प्राइवेट बात है। जैसे ही महाराज मुंह कान पे रखा, लखनलाल बोले भाभी भैया की सेवा, जो इतना कहा सीधा ये मूर्छ तो करके नीचे गिर पड़ी। सब लोग कहने लगे अरे भैया लखन तेने ऐसा क्या कह दिया। बैद्यराज को बुलाया, नाड़ी नवज देखी, देख करके कहने लगा कोई सदमा बैठ गया है।
लखनलाल को राम जी ने बुलाया। बोले लखन क्या कहा? बोले प्रभु जो आपने कहा सो मैंने कह दिया। बोले जाकर के जानकी के कान में ये कहो, भाभी भैया की आधी सेवा। जो जाकर के कान में कहा, जानकी जी उठ करके खड़ी हो गई है। सभी लोग बोले लखनलाल तुम तो कोई जादू टोना जानते हो क्या? पहले कान में कहा तो जानकी जी मूर्छित हो गई, दोबारा कहा तो उठ करके खड़ी हो गई। बोले नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं है, पहले अब राम जी की सेवा में हनुमान जी जाते हैं, फिर लखनलाल जाते हैं, फिर जानकी जी जाती हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। से नहीं करता है जितना पत्नी से नहीं करता है, दुगना प्रेम बच्चों से करता है। एक से दो का होना यही आध्यात्म योग है। देख मैया संतों और विद्वानों ब्राह्मणों का संग किया करना। देख मां तितिक्षव कारुण का सुरदह सर्वदेह नाम। मां कहती है बेटा मैं तो ये जानू ही ना हूं संत कौन होए, बाबा जी कौन होए। कपिल भगवान कहते हैं मां जिनके हृदय में करुणा हो दया हो, जिनका कोई शत्रु नहीं है वे मारा साधु है संत है, उनका सत्संग करना। और देख मां माला लेकर के भगवान का भजन करना। मां कहने लगी बेटा जब ही भजन करने बैठे जब ही मन उधर उधर चला जाता है, माला करवे में तो मन लगे ही ना है। मन के गत बड़ी अटपटी के दिन भर खटपट हो, जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। मन की गत बड़ी मां ये तो मन है, भगवान का भजन करो। घर में अकेले मन में मिले, घर में अकेले बैठे हैं माला लेकर के भाई भगवान का भजन कर रहे हैं और मन जा रहे आए अभी वहां जाना है, खाना बनाना है, दूध पिलाना है, माला करने में मन नहीं लगता है। मन भूत समान, मां ये मन तो भूत के समान है। कैसे? किसी ने एक भूत सिद्ध किया महाराज, ये उसके लिए कोई काम बताता है घंटों का काम मिनटों में करके आ जाता है, आकर के कहता है काम बता नहीं तो तुझे खा जाऊंगा। ये बड़ी चिंता में बैठे हुए मित्र चले आए, बोले क्या बात है? बोले भैया मैंने चूको भूत सिद्ध करो, ये मिनटों का काम घंटों का काम मिनटों में करके आ जाता है और ये कहता है कि मुझे काम बता। बोले अब मैं जाए कहा काम बताऊं? बोले ऐसा कर बीचा बीच आंगन में एक सात आठ लंबा बांस गाड़ और उससे ये कह यहां पे चढ़ और उतर, चढ़ और उतर, चढ़ और उतर। सब बल जाए हार, अपने आप थक करके बैठ जाएगा। मां
सज्जनों का संग करना, मेरी कथाओं का श्रवण करना, देख मैया अपना मन भगवान के चरणारविंद में लगाना। फिर महाराज मैया के उद्धार के लिए भगवान ने सांख्य योग वर्णन किया, कहने लगे देख मां ये शरीर पांच तत्वों से बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। देख मां इन पांच गुणों से ये शरीर बना हुआ है, पांच तत्वों से। इन पांच तत्वों में एक एक गुण और है। पृथ्वी में क्या गुण है? पृथ्वी में गुण है खुशबू का। आप एक मिट्टी का डेला लें, उसमें जल डालें, कैसी सुंदर खुशबू आती है भाई। स्वाभाविक की सी बात है, जब खेत में पानी लगता है तो मिट्टी की खुशबू कई किलोमीटर दूर तक जाती है। पृथ्वी का गुण है खुशबू का। फिर आया जल, जल का गुण है रस बनाना। जल पाचक होना चाहिए। फिर आई महाराज अग्नि, अग्नि में सबको स्वाहा। इसका गुण है तेज। आ भाई अग्नि में जो भी चीज डालोगे सब स्वाहा हो जाएगी। फिर आया आकाश, शब्द गुण, शब्द गुण आकाशम। फिर आया वायु, इसमें गुण है ठंडी से गर्मी, गर्मी से ठंडी। देख मां पांच ज्ञानेन्द्रिय, आंख कान नाक जीव और त्वचा। पांच कर्मेंद्रिय हाथ पैर लिंग गुदा बाड़ी चित्त बुद्धि और अहंकार। देख मां पांच तत्व बताए, पांच गुण बताए, कितने हो गए? अरे पढ़े लिखे हो सब भूला करो। पांच तत्वों से शरीर बना हुआ है, पांच तत्व, पांच इनके गुण कितने हो गए? दस। और पांच ज्ञानेंद्री पंद्रह, पांच कर्मेंद्री बीस। कर्मेंद्रिय हाथ पैर लिंग गुदा बाणी। दो और जोड़ दो, क्या जोड़ोगे? दो मन और हाँ, तीन और जोड़े, सही कह रहे हैं पंडित जी। चित्त बुद्धि अहंकार। देख मां अब एक और जोड़ दो, एक क्या है? मन। एक मन कितने हो गए? कितने हैं? 24। गिनो, पांच तत्व, पांच गुण, पांच ज्ञानेंद्री, पांच कर्मेंद्री, बीस। तीन और जोड़े, चित्त बुद्धि अहंकार, तेईस। एक जोड़ा मन, चौबीस। और एक मनुष्य, और 26, 22। मां संसार में 27वीं कोई वस्तु नहीं है। भगवान ने एक बार 24 पिंड का तत्व पिंडा बनाया, पिंडा बना करके जल में छोड़ दिया। पिंडा जल में गोविंदाय नमो नमः, इंद्री बुलाई लेकिन नोत्तिष्ठ तदा विराट, पिंडा नहीं उड़ता है। इनके देवता बुलाए, पिंडा नहीं उठा। जब तक इसमें
जीव और ईश्वर ने प्रवेश नहीं किया तब तक ये पिंडा नहीं उठा। जब जीव ईश्वर इसमें प्रवेश हुए तब ये पिंडा उठा। महाराज कपिल भगवान कहते हैं माँ भगवान के अष्टांग योग का ध्यान किया कर। संचिन्तयेद् भगवत् षडरारविन्दम् वज्राकुशाध्वज सरोरोलाच्छुनाढ्यम् उत्तुंग रक्त्रविल सन्नख चक्रवालो ज्योस्त्राभिरा हतमहद्धदयान्धकारम्। अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग है कि भगवान का मस्तक से चरण, चरण से मस्तक का ध्यान कर। कैसे ध्यान करें? नेत्र बंद करें, नेत्र बंद करके ध्यान करें। महाराज कैसे सुंदर भगवान के चरण है जिसमें जौ का चिन्ह, अंकुश का चिन्ह, स्वस्तिक का चिन्ह बना हुआ है, कलश का चिन्ह बना हुआ है। माँ यहाँ मन्ना लगे तो और ऊपर चले, भगवान की पिंडरियों का ध्यान करें। षटकारीदार भगवान की पिंडरी है। यहाँ मन्ना लगे माँ तो भगवान की जंगाओं का ध्यान किया कर। कैसी सुंदर भगवान की जंगा है, जैसे केला का खम्बूता है। यहाँ मन न लगे तो और ऊपर मन को बढ़ाए माँ भगवान की कमर का ध्यान कर। कैसी भगवान की पतली कमर है, सिंघनी के समान पतली पतली भगवान की कमर है। यहाँ आपका मन न लगे तो मन को और ऊपर बढ़ावे, भगवान के उदर का ध्यान करें। यहाँ मन न लगे भगवान के छाती का ध्यान करें। महाराज यहाँ मन न लगे भगवान के कंठ का ध्यान करें, भगवान के होठों का ध्यान करें। कंदूरी के समान लाल लाल जिनके होठ हैं। यहाँ मन न लगे भगवान के नाशिका का ध्यान करें, भगवान के नेत्रों का ध्यान करें। महाराज यहाँ मन न लगे भगवान के मस्तक का ध्यान करें। कैसा सुंदर भगवान ने मुकुट धारण कर रखा है, देख माँ कहीं ना कहीं मन लग ही जाएगा। देख माँ भगवान की हंसी का ध्यान करें, लखी जिन लाल की मुस्कान। भगवान की हंसी शोक रूपी समुद्र को सोखने वाली है। देख माँ मेरे तीन प्रकार के भक्त हैं, रजोगुणी सतोगुणी तमोगुणी। देख माँ जीव अकेला आता है अकेला चला जाता है। जब तक ये नौजवान रहता है, जब तक ये समय अच्छो लगे, जब ये कमाते 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 बुढ़ा हो जाता है तो यह पौरी को बासो दे दे। कने पौरी में ही दियो भीतर भवे। तो जब तक ये कमाता है सबको अच्छा लगता है। भाई कितना पैसा कमाता है, 50,000 रुपए महीने कमाता है साहब, 1,00,000 रुपए महीने कमाता है। और जब ये कमाते कमाते बुढ़ा हो जाता है तो व्यवस्था भंग हो जाती है, फिर इसको पौरी का वासा दे देती है। के सींगरे और खुर घिसे पीठ न भूजा ले, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे। महाराज जब तक ये नौजवान रहता है सबको अच्छा लगता है। देख वा एक बुड्ढा रहा, बुड्ढे के पास जो भी धन था उसने अपने बच्चों को दे दिया। अब महाराज ये पलंग पे पड़ा हुआ है, इसका कंटे गड़र 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 घर्रा रहा है। ये पड़ा पड़ा हाथों को फेंकने लगा। बेटा ने देखा, बेटा कहने लगे
अभी तो पिताजी को कौन धन घड़ो भयो रहो दिखे, हाथ अन्ने फेंक रही है पर मुंह से आवाज नहीं निकलती है। डॉक्टर वैद्य को बुला करके लाए, कहने लगे डॉक्टर साहब ऐसा इंजेक्शन लगा दो बस दो मिनट को आवाज खुल जाए। जैसे ही इंजेक्शन लगाया महाराज आवाज आ गई है। बेटा बोले पिताजी कैसे के आतन में फेंक रहे, क्या बात है? बोले बेटा मेरे हाथ के बटे जीबरा है पट्टा चबा रहे। तो नेक नेक बात में इसका मन अटका रह जाता है। देख माँ मैं अपने भक्तों को चार तरह का मोक्ष देता हूं। महाराज जीव की गति का वर्णन किया, यह जीव पहले आकाश में घूमता है, वर्षा होती है वर्षा के जल में मिलकर के पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है, किसान अन्न भूता है महाराज अन्न में प्रवेश कर जाता है, उसको हम लोग खाते हैं, उसको हम लोग खाते हैं, उससे बनता है वीर्य। यह महाराज रति के समय गर्भाशय में प्रवेश कर जाता है, फिर ये महाराज धीरे 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 इसका विकास होता है। ये ऐसे बंद रहता है जैसे तोता पिंजरे में बंद रहता है, ये गर्भ में उल्टा लटका रहता है। भगवान से प्रार्थना करता है कि आप मुझे यहां से निकालो, मैं आपका गुणगान करूंगा। लेकिन महाराज जैसे ही ये बाहर आता है, ये अगर नहीं रोता तो भी इसको रुलाया जाता है, रूरु गते सायति। हाँ लिख रहा है देखो, रूरु यते गतम ज्ञानम विपरीता गतिम गता। जब ये पैदा होता है तो नहीं रोएगा तो भी रुलाया जाएगा, क्योंकि जब तक ये नहीं रोएगा तो इसको पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहती है, इसको सब कुछ याद रहता है। और जब ये पैदा होता है तो दोनों मुट्ठी बंद आती हैं, दोनों मुट्ठी बंद रहती हैं कि भाई जो दान पुण्य धर्म पहले किया उसको लेकर के आया, और जब जाता है तो खाली आ जाता है। क्या लेके जाता है? कुछ लेके नहीं जाता है, सब यही व्यर्थ है। महाराज ज्ञान दिया, मैया ने अष्टांग योग का ध्यान किया, मैया गंगा रूप में परिणत हो गई। ये वही गंगा है, अभी कथा आएगी। महाराज खती कन्या का विवाह हुआ, दो बेटे पैदा हुए दाता और विदाता। सती का विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ, सती ने युवावस्था में अपना देह त्याग दिया। भाई ऐसा क्या कारण हो गया कि सती ने युवावस्था में देह त्याग दिया है? महाराज दक्ष ने यज्ञ रखा है, यज्ञ मंडप बनवाया, भृगु जी को यज्ञाचार बनाया है, दक्ष का अवतार ब्रह्मा जी के अंगूठे से हुआ है। ऋषियों ने विश्वसृजानां का यज्ञ किया, महाराज बड़ा सुंदर यज्ञ मंडप बनाए, दक्षत के कलश रखे हुए, चौराहे चौराहे पर केला के खम्भे, बंधनवाल लटकी हुई है। दक्ष ने सुंदर श्रृंगार किया है, महाराज पगड़ी धारण के पगड़ी पहनी है, पटलीदार धोती पहनी है, जिस पगड़ी में महाराज हीरा पन्ना जवाहरात लगे हुए हैं, सोने की छड़ी लेकर के आप मां। जैसे ही दक्ष ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया सभी लोग उठ करके खड़े हो गए, तीन देवता उठ करके खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु और महादेव। दक्ष ने विचार किया भाई ये तो मेरे पिता हैं, ये खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं है, भाई विष्णु भगवान है,
ये तो मेरे बाप के भी बाप है, ये खड़े नहीं हुए तो कोई बात नहीं है। जैसे ही भोले बाबा की तरफ देखा, कहने लगा, मैं किसी मत्सरता से नहीं कह रहा हूं, मैं किसी घमंड में नहीं कह रहा हूं, मैं नीति की बात कह रहा हूं। ये शंकर है ना शंकर, इसने विद्वानों के मार्ग को दूषित कर दिया है। ये भूत प्रेतों के साथ में रहता है, बभूति रमाता है। महाराज, मैंने अपनी खंजन जैसे नेत्र वाली बेटी का विवाह इस शंकर के साथ में कर दिया। जो महाराज इतना सुना, नंदीश्वर कहने लगे, ए दक्ष, हमारे स्वामी से क्या बुरे वचन बोलता है, हम श्राप दिए देते हैं, तेरा मस्तक कटके बकरे का मस्तक लग जाएगा, तू स्त्रीगामी हो जाएगा। जो इतना सुना, भृगु जी कहने लगे, ए नंदीश्वर, आप हमारे स्वामी से क्या बुरे वचन बोलते हो, हम भी श्राप दिए देते हैं, जहां यज्ञ हवन होगा वहां भोले बाबा का कोई अधिकार नहीं होगा। आज भी यही बात है, कहीं भी यज्ञ होता है, हवन होता है, आहुति देने में जो सामग्री नीचे फैल जाती है उस पर भोले बाबा का अधिकार होता है, उसको कभी भी समेट करके यज्ञ हवन में नहीं डालना चाहिए, बड़ा भारी अपराध होता है। वहां हमारा सापा सूपी होने लगी, झगड़ा भरने लगा। भोले बाबा ने विचार किया, यहां से चलना ही ठीक है। महाराज, भोले बाबा वहां से चल लिए। संत विद्वान को चाहिए, जहां झगड़े की आशंका दिखे वहां से उठ करके चल दे। महाराज, दुनिया भर में यज्ञ होना बंद हो गया है। एक दिन दक्ष को भांसी चढ़ी आई, ये कहने लगा, मैं यज्ञ करूंगा, देख लूंगा वो शंकर मेरा क्या बिगाड़ लेता है। दक्ष ने यज्ञ किया, यज्ञ में दक्ष ने सभी को निमंत्रण दिया है, लेकिन भोले बाबा को कोई निमंत्रण नहीं दिया। सती ने 15 महीनों को जाते हुए देखा, विमान में बैठ बैठ के जा रही, कहने लगे, सती ने विमानों को नीचे उतारा, कहने लगी, बहना कहाँ जा रही हो? बोले, पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उनका निमंत्रण आया है, हम वहीं जा रहे हैं। आपके पास निमंत्रण नहीं आया है क्या? बोले, आया होगा तो हमारे स्वामी के पास आया होगा। आज महाराज सती ने भोले बाबा की बड़ी बड़ी सेवा की नहीं। भोले बाबा कहने लगे, सती, आज सेवा में कुछ विशेषता है। बोले, क्या बात है? नहीं स्वामी, ऐसी बात नहीं है। अरे नहीं सती, कोई ना कोई बात तो जरूर है। सती मुस्कुराए के बोली, स्वामी, हमारे पिताजी का निमंत्रण आया है क्या? कहने लगे, तो ये बात है सती, है इसलिए आज इतनी सेवा हो रही है। कहने लगे, सती, तेरे पिताजी हमको क्यों निमंत्रण देंगे? उनमें 6 तरह का अवमान है। वो महाराज विद्वत्ता में ज्यादा है, धन में ज्यादा है, कुटुंब में ज्यादा है, वो हमको निमंत्रण क्यों देंगे? सती कहने लगी, स्वामी, आपने मेरे पिताजी को प्रणाम नहीं किया। बोले बाबा, बोले सती, मैंने मन में तेरे पिताजी को प्रणाम किया। ये कहने लगे, देखो, एक साष्टांग दंडौत होती है, एक पंचांग दंडौत होती है, एक मानसिक दंडौत होती है। मानसिक दंडौत की सती बोले, नहीं स्वामी, ऐसी आपने मेरे पिताजी को प्रणाम नहीं किया, आपके हृदय में आपके इष्ट राम है, आपने अपने इष्ट राम जी को प्रणाम किया। सती कहने लगी, स्वामी, मैं तो यज्ञ में जाऊंगी,
भोले बाबा कहने लगे सती मत जाओ, अगर आप जाओगे तो वहां मेरा अपमान देख करके आप लौट करके वापस नहीं आओगे। नहीं मानी सती। भोले बाबा ने कहा भाई सती को अब तो धूमधाम के सहित भेजे। महाराज जैसे ही सती पहुंची बस एक मां प्रेम से मिली। यज्ञ में जाकर के देखा भोले बाबा का कोई कदगान नहीं है। जो देखा सती के नेत्र लाल पीले हो गए। कहने लगी पिताजी आपने शिव तत्व को नहीं पहचाना। अगर मैं चाहूं तो आपकी जीवा को खींच सकती हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर मैं अपना ये शरीर लेकर के भोले बाबा के पास गई तो वो यही कहेंगे आओ दक्ष की बेटी सती, मेरा अपमान देख करके अब तक आपने ये शरीर धारण कर रखा है। उसी यज्ञ में सती ने अपने प्राण त्याग दिए। सती समाप्त हो गई। महाराज नारद जी भोले बाबा के पास पधारे, जाकर के कहने लगे भोले बाबा दंडौत। बोले आओ नारद कैसे आए। बोले आओ कैसे, जैसे हमें ना नरुआ वरुआ ऐसे तुम नरुआ हो गए। बोले है क्या सती ने शरीर त्याग दिया है क्या। बोले हाँ महाराज। भोले बाबा की क्रोध की हड़िया बनने लगी, लाल पीले नेत्र हो गए, लेकर के जटा चारों तरफ फिराते हुए जो चट्टान पे मारी एक वीरभद्र नाम का दैत्य, वीरभद्र नाम का पुरुष पैदा हो गया है। इसने भगवान की प्रार्थना की तम किम करो मिधिगणात महान बद्धांजलि भगवान भूतनाथ दक्षम स्वयज्ञम जय मद भटाना त्वमग्रणी रुद्र भटांसको मे। हे प्रभु मैं आपका क्या प्रिय करूं। भोले बाबा कहने लगे आप दक्ष के यज्ञ में पधारे, जिसने जैसा अपराध किया है उसके लिए वैसा ही दंड दें। महाराज ये भूत प्रेत गणों को लेकर के चल दिए हैं, कमर में सांकर पड़ी हुई है, महाराज आंधी सी चली आ रही है। महाराज भूत प्रेत जाकर के यज्ञ में मल मूत्र त्यागने लगे। दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया। महाराज एक गण ने पूछा के दांत ले गए जलती हुई अग्नि में स्वाहा। सब कुछ वहां समाप्त कर दिया। महाराज दक्ष का मस्तक उखड़ने में नहीं आता है। भोले बाबा बोले नंदीश्वर याने बड़ी बड़ी दान पुण्य की ने या मैं अलवीटा मार के खस दे सीना झटका मार के उखाड़ ले और महाराज यज्ञ में पूर्ण आहुति दे दे। महाराज सब भोले बाबा के पास पधारे, कहने लगे प्रभु आप श्रृंगार को रोकें, कृपा करें प्रभु। महाराज भोले बाबा बैठे हुए बोले प्रभु आप सब कुछ सही करें। भोले बाबा कहने लगे दक्ष के बकरा का मस्तक लग जाए, इसके बकरा का मस्तक लग गया है। महाराज वह सभी देवता आए गए लेकिन विष्णु भगवान नहीं आए।
महाराज खीर पुआ की आहुति देनी, विष्णवे स्वाहा, विष्णु भगवान प्रकट हो रहे हैं। सबने प्रार्थना कीनी, दक्ष ने, ऋत्वजन ने, सदस्यन ने, रुद्र ने, भृगु ने, ब्रह्म ने, इंद्र ने, यज्ञवत्नी ने, ऋषिन ने, सिद्धन ने, लोकपालन ने, सबने भगवान की प्रार्थना की नहीं है। भगवान कहने लगे, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगत कारणम परम। ब्रह्मा विष्णु महेश हम तीनों तत्व करके एक हैं। बृहस्पति जी ने ये कथा उद्धव के लिए सुनाई, हमने ये कथा आपके लिए सुनाई। भागवत में सती चरित्र त्राई अंकित है, आगे रामायण में कथा अंकित की गई है। देख राजन, इदं पवित्रं परमेश चेष्टितं यशस्यमायुष्यम भोगवर्षणम्। यह परम पवित्र कथा है, इसके सुनने से अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। देख राजन, यह छह ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी कौन होते हैं? जो योग क्रिया के द्वारा अपने वीर को ब्रह्मांड में ले जाते हैं। छठवें दिन आपकी समाधि खुलती है, तिनका पत्ता खा खा करके तपस्या की। तीसरे महीना पे तीन दिन और बढ़ गए, नौवें दिन आपकी समाधि खुलती है, यमुना जल पी पी करके आपने तपस्या की। महाराज चौथे महीना पे तीन दिन और बढ़ गए, नौवें दिन आपकी समाधि खुलती है, वायु का भक्षण कर करके आपने तपस्या की। जैसे ही पांचवें महीना पे श्वास को खींचा, दुनिया भर की वायु बंद हो गई है। महाराज देवता भगवान के पास पधारे, कहने लगे, महाराज ये दुनिया भर की वायु कैसे बंद हो गई है, श्वास लेने में दिक्कत होती है। भगवान कहने लगे, महेश बालम तपसो दुरत्यया नवर्तयसि प्रतियात स्वधाम हेतु हि वा प्राण निरोध आसे दोतान पादिर्यमय संगतात्मा। मेरा भक्त ध्रुव तपस्या कर रहा है, बोले महाराज जल्दी आ दर्शन दे। भगवान पधारे, दर्शन दिए, कहने लगे, आहा कैसा सुंदर भगवान का स्वरूप है, मैं इसे जुआ के द्वारा अंदर ले जाऊं क्या, मैं नेत्रों के द्वारा इनका दर्शन करता रहूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, पढ़ा लिखा होता तो मैं भगवान की प्रार्थना करता। भगवान भक्त की बात को समझ गए। पस्पर्श बालम कृपया कपूले, भगवान ने संघ को कपूल से स्पर्श कराया, ध्रुव जी के लिए बेतरणी विद्या कंठ हो गई है। ध्रुव जी ने बड़े बड़े श्लोकों के बीच में भगवान की प्रार्थना की है। योम तो प्रवेश्य मम वाचे में माम प्रसूपता संजीवयत्यखिल शक्त धरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादी प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम। आज आपने मेरे अंतःकरण में जाकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है। मैं ये चाहता हूँ प्रभु, मैं हाथों के द्वारा आपकी सेवा करता रहूं, पैरों के द्वारा आपकी परिक्रमा लगाता रहूं। भगवान कहने लगे, मैं प्रसन्न हूं, कछु वरदान मांग। बोले प्रभु, आप घटघट वासी हो, अंतर्यामी हो, सब जानते हो। बोले मैं सब जानता हूं ध्रुव, मौसी के ताएले से आप यहाँ आई हो, मैं वरदान दिए देता हूं, आप 36,000 वर्ष तक राज्य भोगोगे। आपका भाई यक्षों की शिकार करेगा, यक्षों के द्वारा मारा जाएगा, मौसी जी ढूंढने जाएंगी, बांस के बगीचा में प्रवेश कर जाएंगी,
महाराज ये आपस में भिड़ेंगे, इनमें आग अग्नि लग जाएगी, वहां महाराज मौसी जी की राधे राधे हो जाएगी। और देखो ध्रुव जी महाराज, आप मेरे बैकुंठ के उत्तर द्वार पर पधारोगे। महाराज नारद जी ने आकर के कहा, राजा नगर को सजवाओ, ध्रुव भगवत प्राप्ति करके आ रहा है। राजा ने नगर को सजवाया। महाराज ध्रुव जी महाराज जैसे ही आए, विचार करने लगे, जिस समय मैं गया था तो किसी ने मुझे रोका तक नहीं, आज मैं आया हूं तो कैसा सुंदर नगर को सजवाया है। गोस्वामी जी ने ठीक कहा है, जहां पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवत कृपा हो जाती है उस जीव का सहज में उद्धार हो जाता है। महाराज जैसे ही ध्रुव जी महाराज आए, विचार करने लगे, मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं। बोले पहले माता जी के करूं, पिताजी के करूं, के मौसी जी के करूं। बोले नहीं, पहले मैं मौसी जी के चरण स्पर्श करूंगा, क्योंकि इस भगवत रूपी मार्ग को बताने वाले तो यही है, भाई इनकी वजह से ही तो जंगल में गया तपस्या की, भगवत प्राप्ति की। वहां संत विद्वान ब्राह्मण खड़े हुए, ध्रुव जी महाराज ने गुरु जी के चरण स्पर्श किए, संत ब्राह्मणों के चरण स्पर्श किए, फिर मौसी जी के चरण स्पर्श किए। राजा ने विचार किया, भगवत प्राप्ति करके आई गई है ना, तो इनका संगी संग राज्याभिषेक कर दें। तानपाद ने ध्रुव जी का राज्याभिषेक कर दिया, तिलक कर दिया। अब महाराज इनका भाई उत्तम कुमार जंगल में शिकार खेलने गया। महाराज इन्होंने एक सिंह की शिकार कीनी, उसी सिंह की शिकार यक्षों ने कीनी। ये महाराज इस पे तो सिंह मरा नहीं, यक्ष ने वो सिंह मार दिया, इनमें वह युद्ध होने लगा। यक्षों ने उत्तम कुमार को समाप्त कर दिया है। काफी समय हो गया, महाराज सुरुचि ढूंढने गई, बांस के बगीचा में प्रवेश कर गई, हवा चली, वायु बांस के बगीचा आपस में बांस टकराए, अग्नि लगने लगी। महाराज मौसी जी उसी में गोविंदाय नमो नमः समाप्त हो गई है। पता पड़ा ध्रुव जी महाराज को कि यक्षों के द्वारा हमारा भाई मारा गया है। महाराज चार घोड़ा वाले रथ पर बैठ करके चल दिए। महाराज हजारों यक्षों को मारा है, यक्षों ने अपनी माया छोड़ दी नहीं है। ध्रुव जी महाराज ने नारायण अस्त्र को छुड़ा है, महाराज यक्षों की माया समाप्त कर दी नहीं है। कुबेर जी पधारे, कहने लगे मैं प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांग। बाबा मनु जी आए गए, कहने लगे बेटा आपने हजारों यक्षों को समाप्त कर दिया है, आप इस युद्ध को यही विराम दें। कुबेर जी बोले मैं प्रसन्न हूं, कुछ वरदान मांग। ध्रुव जी कहने लगे मैं तो ये वरदान मांगता हूं, मेरा मन रूपी भोरा भगवान के चरणारविंद में मंडराता रहे। महाराज ध्रुव जी का विवाह भ्रमी नाम की कन्या के साथ में हुआ। कल पूर्वत्सर दो बेटा पैदा हुए। दूसरा विवाह आपका भाई पुत्री इला के साथ में हुआ। उत्कल और खूब दो बेटा आपके पैदा हुए। नारद जी ने प्रचेतान की सभा में बीड़ा बजा बजा करके ध्रुव जी की बड़ी बड़ी बड़ाई कीनी। कहने लगे बेटा हो, बेटा जन्मे तो भक्त बेटा जन्मे,
भक्त हो तो ध्रुव जी जैसा होना चाहिए। इसी वंश में अंग हुआ, अंग के बैन, बैन के शरीर का मंथन हुआ, पृथु जी हुए। पृथु जी ने पृथ्वी का दहन किया, सबने अपनी अपनी वस्तु निकाल लेनी है। महाराज पृथु जी के ने शरीर को त्याग दिया है, इनकी पत्नी अर्ची ने भी इनके साथ समाप्त हो गई है। अब महाराज नारद जी प्राचीन वर्या को ज्ञान देते हुए पुरंजनी पुरंजनोपाख्यान मरणन किया। आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन मृच्छ्रवा, तस्या विज्ञात नाम आसी सख्या विज्ञात चेष्टतः। नारद जी प्राचीन गर्री राजा को ज्ञान देते हुए कहते हैं, एक पुरंजन नाम के राजा रहे, जिनके मित्र हैं अभिज्ञात, दोनों साथ में रहते हैं। रहते रहते बहुत समय हो गया, पुरंजन कहने लगे, अब हमारा मन नहीं लगता है, अब हम अपने रहने लायक नगर देखेंगे। अभिज्ञात मित्र ने बहुत समझाया कि चक्कर में मत पड़ो, पर इसने बात को नहीं माना। ये महाराज नगर देखने चल दिए हैं। पुरंजन ने 84 लाख नगर देखे, लेकिन इसको कोई नगर पसंद नहीं आया। उत्तराखंड में पहुंचा, क्या देखता है, 9 द्वार का नगर देखा, 2 खंभों पर डटा हुआ है, 9 इसमें द्वार है, 7 द्वार ऊपर है, 2 द्वार नीचे। भाई नगर तो बड़ा सुंदर है, इसमें बंधनवाल लगी हुई है, तोता मैना मूरा चकूरा मीठे मीठे कंठ से गीत गा रहे हैं। मुख्य द्वार पर एक नौजवान स्त्री बैठी है, ये महाराज पुरंजन कहता है, क्यों जी मैं इस नगर में रह सकता हूं क्या? ये नौजवान स्त्री कहती है, इस नगर में मेरी नाम राशि रह सकता है। क्यों जी आपको नाम कहा है? बोले मेरो नाम है पुरंजनी, मैं इस नगर की मालकिन हूं। बोले आपको नाम पुरंजनी है, मेरो नाम पुरंजन है, राशि में राशि मिलाई दीनी। ये कहने लगी कि देखो जो काम मैं करूंगी वो काम आपको करने पड़ेंगे। ये कहने लगा अब तो मैं इस नगर में रह सकता हूं। बोले हाँ अब आप इस नगर में रह सकते हो। अब तो महाराज पुरंजनी पुरंजन से कहती है, देखो जी जब तक ये 5 फड़का सर्प रहेगा, ये उठते में बैठते में जागते में सोते में नगर की रक्षा करता रहेगा। जब तक ये 5 फड़का सर्प रहेगा, जिस दिन ये 5 फड़का सर्प समाप्त हो गया, ये नगर गोविंदाय नमो नमः, नगर भी समाप्त हो जाएगा। पुरंजन बोला भाई ये तो बड़ा चक्कर है, अब तो महाराज पुरंजन पुरंजनी की गलबैया धार के अंदर ले गया। महाराज
खद्वत आवेर मुख नाम के नगर में पहुंचा। महाराज महा वहां से फिर ये दक्षिण पांचाल नगर में पहुंचा। वहां ये बड़े मीठे मीठे स्वर सुनता है, आनंद लेता है। फिर ये नलनी नालनी नाम के नगर में पहुंचा, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर खुशबू लेता है। और जैसे ही मुख्य द्वार पे पहुंचा, महाराज बड़े बड़े पदार्थ पाता है। अंदर नगर में ले गया, वहां एक सुंदर सरोवर देखा। कहने लगा, भाई नगर तो बड़ा सुंदर है, मैंने आज तक ऐसा नगर नहीं देखा। और अंदर पहुंचा, मेन गेट पर आकर के मुख्य द्वार पर बड़े बड़े पदार्थ पाता है। कहने लगा, भाई बड़ा सुंदर नगर है। जब नीचे के द्वार में जाता है, एक में इसको हर्ष होता है, एक में इसको शोक होता है। पर जो काम पुरंजनी करे, वो काम जाए पुरंजने कन्नों परे। कभी कभी ये ढोलक बजाए के गायो करे, या फिर गावो तो आवे ना आए, कनपति पे हाथ धर के सुर में सुर मिलायो करे। भाई नगर में रहना है तो करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो कान पकड़ के नगर से गोविंदाय नमो नमः। अब एक दिन पुरंजन बिना पुरंजनी से कहे शिकार खेलने चले गए। पुरंजन आया, कहने लगा, वहां एक रामा नाम की कन्या झूला झूल रही। कहने लगा, आपने हमारी प्रिया को देखा है क्या? बोले, प्रिया ये कौन है ये तो पता नहीं, अंदर को भवन में पड़े हुई है। ये महाराज गया अंदर जाकर के क्या देखता है, पुरंजनी रो रही है। कहने लगी, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस मेरे बिना पूछे आप कहीं नहीं जाओगे। ये महाराज पुरंजनी को मनाने लगा, देखो जी मुझसे गलती हो गई, मैं आपके बगैर पूछे चला गया, अब मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। देखो जी अब तो आप प्रसन्न है जाओ, मुंह पे गलती है गई। पुरंजन बोला, ऐसी क्या बात है, अब तो आप प्रसन्न है जाओ। अपनी नाक पुरंजनी के पैरों में रगड़ने लगा। इसने अनुनय विनय करके पुरंजनी को मना लिया। इसने महाराज पुरंजन ने पुरंजनी के द्वारा 110 बेटा 110 बेटी पैदा कीनी। नगर खचा खच भर गया, नगर में पैर रखने की भी जगह नहीं है। चंडवेग नाम का गंधर्व 360 काली सेना 360 सफेद सेना लेकर के आया। नगर पे धावा बोल दिया, जैसे ही धावा बोला, काल कन्या पति देखती 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 मेरे पास आई। ये मत समझियो भैया पंडित जी के पास आई, काल कन्या मेरे पास ना आई, काल कन्या नारद जी के पास आई। नारद जी तो राजा ज्ञान दे रहे, प्राचीन बर्री राजा है। तो नारद जी के पास आई काल कन्या, आके बोली, बाबा हमारा तुम्हारा विवाह हो जाए। नारद जी बोले,
जी और जाने कांते आए गई। नारद जी बोले मैं तेरे साथ विवाह नहीं करूंगा। काल कन्या बोली मैं आपको श्राप दे दूंगी। नारद जी बोले श्राप मंजूर है पर विवाह नहीं करूंगा। बोले बाबा आज सवा दो घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं ठहरोगे। बोले मैं सवा दो घड़ी नहीं चाहे दो ही घड़ी ठहरू पर तुझसे मैं विवाह नहीं करूंगा। काल कन्या पति देखती देखती यमन के पास पहुंची। यमन से बोली हमारा तुम्हारा विवाह हो जाए। यमन बोला हमारा तो विवाह हो गया है, हमारा छोटा भाई है प्रज्वार, प्रज्वार का विवाह काल कन्या के साथ में हुआ। काल कन्या ने पिज्वार के साथ मिलकर नगर पे धावा बोल दिया। सभी समाप्त हो गए, अकेला पुरंजन रह गया। पांच फड़का सर्प भी समाप्त हो गया। पुरंजन रोने लगा, कहने लगा अरे मेरी पुरंजनी मारी गई, अरे मेरे बच्चे मारे गए, अरे मैं रड़ुआ हो गया। ये महाराज रोने लगा है। इसने भी रो करके पुरंजन ने पुरंजनी के वियोग में प्राण त्याग दिए। महाराज अंते गति सामति, मरते समय जीव का जिधर ध्यान होता है मन होता है जीव को उसी योनि में जाना पड़ता है। इसने स्त्री के वियोग में प्राण त्यागे। ये महाराज मलयध्वज राजा के यहां कन्या बन गया। राज ऋषि के साथ में इसका विवाह हुआ। सात बेटा सात बेटी एक बेटा पैदा किए। पति इसका समाप्त हो गया है। ये पति वियोग में सती होने की तैयारी में है। वो ही अभिज्ञात अभिज्ञात चले आए, कहने लगे हम और आप दोनों मानसरोवर में गए हंस रहे मोती चुगा करते थे। मैंने आपको बहुत समझाया, आपने मेरी बात को नहीं माना। जिस दिन से तुमने मुझे छुड़ा है आपने महान कष्ट पाए हैं। ऐसा ज्ञान दिया महाराज अपने साथ ले गए। अब नारद जी बोले राजा कथा समझ में आई कि नहीं आई? कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। अरे बोला करो, आ रही है ना आ रही? कथा समझ में आ रही है? नारद जी राजा थे कह रहे हैं राजा कथा समझ में आई कि नहीं आई? राजा बोला महाराज बिल्कुल नहीं आई। बोले ये बताओ आपने ये पुरंजन बताया ये कौन है, पुरंजनी बताई ये कौन है, नौ द्वार का नगर बताया ये क्या है? ये महाराज काल कन्या कौन है? ये पांच फड़ का सर्प लहरा रहा है ये क्या है? प्रज्वार कौन है? आपने इस नगर में बंधन बार बताई ये क्या है, खिड़की बताई ये क्या है? नारद जी बोले राजा पुरंजन तो और कोई ना है, पुरंजन तो तुई है। भाई जो नगर नगर बसाता हुआ ढूंढता है, कभी पशु में कभी पक्षी में कभी मनुष्य में कभी हाथी में कभी घोड़ा में, ये पुरंजन है। 84 लाख योनि है। हम सब पुरंजन ही पुरंजन बैठी बही है। पुरम
जनेती सा पुरंजना, जो नगर बसाता हुआ डूलता है वो पुरंजने 84 लाख योनि भूक करके आई है जब ये मनुष्य देह मिला है। महाराज ये अविज्ञात कौन है? अविज्ञात नाम ईश्वर का है। जीव और ईश्वर का परस्पर संबंध है। जीव ईश्वर को जानता है पर मानता नहीं है। महाराज ये अपने रहने लायक नगर देखता है, 84 लाख नगर देखे, कोई नगर पसंद नहीं आया। उत्तराखंड में 9 द्वारका नगर पसंद आया। 9 द्वारका नगर क्या है? देखो ये शरीर है ना, शरीर ये 9 द्वारका नगर है। 2 खंभों पर डटा हुआ है। 2 खंभे कौन से हैं? ये पैर है ना पैर, ये जाके 2 खंभे। बोले महाराज सात द्वार कौन से हैं? बोले देख नारियल सो ना, नारियल सो, हाँ नारियल सो, या मैं सात द्वार है। देखो गिनो, 2 कान 2 आंख 2 नाक नहीं, नासिका के छिद्र, नाक तो एक ही है। 2 कान 2 आंख 2 नासिका के छिद्र और 1 मुंह क्या हो गए है? अरे भूला करो, पढ़े लिखे हो सब, क्या हो गए पंडित जी? 7, 2 कान 2 आंख 2 नासिका के छिद्र और 1 मुंह क्या हो गए? 7। 2 द्वार टंकी खाली करने वाले नीचे गोविंदाय नमो नमः। ये जीव महाराज ये 9 द्वार का नगर है। देखो यहां में खिड़की लगी भई है, खिड़की काय की है? दातन की खिड़की लगी भई है। बंधनवाल लग रही है, बारन की, मोचन की, पलकन की, भौन की बंधनवार है, हाँ बंधनवार लगी हुई है। महाराज ये खद्योत आविर्भोग नाम के नगर में गया। दक्षिण पांचाल नगर ये कानों का नाम है। बड़े बड़े भजन सुनता है, गीत सुनता है, बड़ा आनंद लेता है। नल्ली नालनी नाम के नगर में गया। नल्ली नालनी नाम है नाक का। बड़ी बड़ी खुशबू सूंघता है, इत्र के बड़ान की खुशबू सूंघता है। मुख्य द्वार है मोम। महाराज इसका तो कहना ही क्या है, बड़े बड़े पदार्थ पाता है, हैं? बड़े बड़े पदार्थ पाता है महाराज। 5 फड़ का सर्प, देख ये श्वास है ना श्वास, यहाँ के 5 नाम है। उदान प्राणान, उदान अपान समान और ब्यान। जब तक श्वासा तब तक आशा, जब तक श्वास है तब तक आस है। जिस दिन ये 5 फड़ का सर्प सवा तू गया, ये शरीर गोविंदाय नमो नमः। महाराज प्रज्वान ने काल कन्या के साथ मिलकर के शरीर पे धावा बोला और ये शरीर गोविंदाय नमो नमः। नारद जी कह रहे राजा अब क्या विचार है? बोले महाराज मैं अपने बेटा ने राज्य दिया हूं। बोले करम ठोक, मैंने तू इतनो समझायो है,
अरे तू रहेगा तब भी कोई राज्य को करेगा, कोई ना कोई भोगेगा, तू मर जाएगा तब भी कोई ना कोई राज्य को भोगेगा। फिर महाराज नारद जी ने राजा के लिए माया फैलाई। देख राजा, एक हिरण है, हिरण हरी हरी घास खा रहा है, घास को चरता हुआ जा रहा है। एक बदक है, बदक ने एक तरफ कुत्ता खड़ा कर रखा है, एक तरफ अग्नि जला रखी है, एक तरफ कुआ तैयार कर रखा है, एक तरफ खुद धनुष पर बाण रख करके खड़ा हुआ है। बोले बता। राजा देख करके बोला, गुरुजी हिरण बड़ा पागल है, चारों तरफ से काल आ रहा है और घास को चरता हुआ जा रहा है। बोले राजा, हिरण और कोई ना है, हिरण तो तू ही है। ये घास है ना, हरी हरी घास, ये नाती पंती बेटा है, इसको ये पता नहीं चलता है कि काल चारों तरफ से आ रहा है, ये इसी माया में लगा रहता है। श्री राधे श्याम, बोलिए बांके बिहारी लाल की। सभी भक्तजन खड़े हो जाएं ठाकुर जी की आरती के लिए, और आगे आ जाएंगे खड़े होकर के, सभी आरती करेंगे बड़े भाव से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ मैं आरती तेरी गाओ केसर गुंज बिहारी, मैं आरती दे गुंज बिहारी, सब गुंज बिहारी तेरी गाओ जगे सब गुंज बिहारी। ओ के सब गुंज बिहारी और माधव मदन मुरारी, के सब गुंज बिहारी जय माधव मदन मुरारी, है आरती तेरी गाओ सब गुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाओ जगे सब गुंज बिहारी। है तेरी छवि अनोखी दूजी ना ऐसी देखी, है तेरी छवि अनोखी दूजी ना ऐसी देखी, तेरी छवि अनोखी दूजी ना ऐसी देखी, है तेरी छवि अनोखी दूजी ना नोड़ी देखी, ऐसा ना कोई सुंदर ओ मोर मुकुट बारी की, मैं आरती तेरी गाओ जगे सब गुंज बिहारी, मैं आरती तेरी गाओ के सब गुंज बिहारी, आरती तेरी गाओ जगे सब गुंज बिहारी। ओ तेरे तन बेदा मर सोए और मोर मुकट मन मोए, मर सोए और मोर मुकट मन सोए,
तन बेदा मरे सोहे और मोर मुकुट मन मोहे बीता मर सोए जय हो और मुकुट जय सोए तर तन बजबुलिया साजे ओके सब कुंज बिहारी तर तन बजबुलिया साजे ओ माधव मदन मुरारी मैं आरद तेरे गाओ के सब कुंज बिहारी आरत तेरी गाओ जगे सब कुंज बिहारी जो आई शरण तुम्हारी बिपता मिट जाए सारी जो आए शरण तुम्हारी बिपता मिट जाए सारी ओ जो आए शरण तुम्हारी बिपता मिट जाए सारी जो आए शरण तुम्हारी बिपता मिट जाए सारी हम सब पर कृपा हो करना जगत के पालन हारी आरत तेरी गाओ जगे सब कुंज बिहारी जो आरत तेरी गावे बिन मांगे सब कुछ पावे आरत तेरी गावे बिन मांगे सब कुछ पावे जो आरत तेरी गावे बिन मांगे सब कुछ पावे तेरी गावे निभागे सब कुछ पावे बब सागर से तर जावे ओ माधव मदन मुरारी मैं आरत तेरी गाओ के सब कुछ बिहारी मैं आरत तेरी गाओ के सब कुछ बिहारी ओके सब कुंज बिहारी ओ राधा रस के बिहारी सब कुंज बिहारी राधा मदन मुरारी ओके सब कुंज बिहारी ओ राधा रस के बिहारी सब कुंज बिहारी राधा मदन मुरारी ओ मैं आरत तेरी गाओ के सब कुंज बिहारी आरत तेरी गाओ के सब कुंज बिहारी ओ मैं आरत तेरी गाओ के सब कुंज बिहारी आरत तेरी गाओ ओ के सब कुंज बिहारी पुष्पांजलि बोलो महाराज जी पुष्पांजलि हमारे आचार्य जी पुष्पांजलि बोलेंगे पुष्पदय ओम यज्ञेन यज्ञमय यंत देवासान धर्माणि प्रथमान्या सन्नोति नागम महिमान शचंद्र यत्र पूर्वे शाद्या शांति देवा हरि ओम सेवंद गावकुल जंबक पाटलाब्जै पुन्नाग जात कर वीर रसाल पुष्पै विल्व प्रवाल तुलसीधर